तो दोस्तों, जैसा कि पिछले मुकाबले का हमारा एक भी प्रेडिक्शन नहीं हुआ था गलत, राशियों और ग्रहों के साथ गाइज आपको इतना खतरनाक प्रेडिक्शन और इतना स्टीक प्रेडिक्शन कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा। और मैं आपको इस फाइनल मुकाबले की वीडियो से पहले मैं आपको पिछले मुकाबले यानी कि सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में आपको मैं ऐसे ऐसे सबूत दूंगा जिससे आपको पूरा विश्वास हो जाएगा राशियों और ग्रहों पर। तो जिसने गाइज मेरी पिछली वीडियो को देखा था उस बंदे ने उस मैच को भी पूरा का पूरा देखा था, क्योंकि उस मुकाबले में मैंने जितने भी खिलाड़ी बताए थे वो सारे के सारे ही खिलाड़ी चले थे और उन सभी के सभी खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया था। मैंने आपको पहले ही सारे खिलाड़ी बता दिए थे और मैंने आपको ये भी बता दिया था कि आप किसे उस मुकाबले में कप्तान लगाए या वो इस कप्तान लगाए। मैंने सबसे पहले नाम लिया था उस मुकाबले में कप्तान बनाने के लिए एन सीवर ब्रंट का। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दे रहा हूँ, आप एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। और मैंने अगले नंबर पर कहा था इलिशा पीरी, आप इसे भी कप्तान या वॉइस कप्तान बना सकते हैं। और मैंने इतना स्टीक प्रेडिक्शन दिया था गाइस कि हमारा एक भी प्लेयर फ्लोप नहीं हुआ। और जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी थी उसने पूरा मुकाबला भी देखा था। देखेगा क्यों नहीं गाइस, क्योंकि उस बंदे के सारे के सारी टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही थी और उनकी रैंक भी बहुत अच्छी खासी आई थी। और मैंने ड्रीम इलेवन पर हेड टू हेड के लिए टीम भी दी थी जो कि इतनी खतरनाक टीम थी गाइज। वो हेड टू हेड के लिए तो अच्छी थी ही, लेकिन वो ग्रैंड लीग जीतने के लिए भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था उस टीम ने। उस टीम में गाइज आठ प्लेयर आप कह सकते हो कि ड्रीम टीम के थे, और दो जोन से कप्तान और वो इस कप्तान थे वो भी बिल्कुल ही स्टीक थे, इलिशा पीरी और एन सीवर ब्रंट ने, जिन्होंने इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा अच्छे खासे पॉइंट लिए थे वही उस टीम में मैंने कप्तान और वो इस कप्तान बनाए थे। बस फर्क बस इतना था, मैंने एन सीवर ब्रंट को कप्तान बनाया था और वो इस कप्तान एलिशा पीरी को। और आपको टेलीग्राम पर मैच से पहले टीम दे दी थी और इतनी खतरनाक टीम गाइज, इतनी स्टीक भविष्यवाणी राशियों और ग्रहों के अनुसार गाइज पूरे YouTube पर तो क्या पूरे सोशल मीडिया पर भी कोई नहीं देता। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी शुरू में ही कहा था, जोन इस वीडियो को पूरा देखेगा वही मैच को भी पूरा देखेगा, क्योंकि उसी के प्लेयर अच्छा खेलेंगे और उसी को मज़ा भी आएगा मैच देखते हुए। तो गाइस चलो अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं, यानी कि फाइनल मुकाबले के बारे में ही बात कर लेते हैं जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो उससे पहले आप एक बार मेरे साथ बोलिए जय सीताराम, और कमेंट में जिस जिसका पिछले मुकाबले में फ़ायदा हुआ वो कुछ ना कुछ अच्छा कमेंट कर दीजिएगा ज़रूर। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले RCB की यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की। इस मुकाबले में आपको बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा वो खिलाड़ी हैं गाइज, इनकी टीम की ऑल अराउंडर जिसका नाम है गाइज एस मोलिनक्स। जी हाँ गाइज, इस मुकाबले में इस खिलाड़ी का बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा एस मोलिनक्स का। और अगर मैं अगले नंबर पर बात करूं तो अगले नंबर पर नाम आता है समृद्धि मंधाना यानी कि रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु टीम की कप्तान। इस खिलाड़ी का अभी इस मुकाबले में बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, बढ़िया का मतलब है गाइस इस मुकाबले में इस खिलाड़ी का मध्य प्रदर्शन रहने वाला है यानी कि बीच का प्रदर्शन, लेकिन बीच के प्रदर्शन से थोड़ा अच्छा प्रदर्शन भी करके दे सकती है ये खिलाड़ी आपको समृद्धि मंधाना। अगर हम आगे ही बात करें तो आगे ऐसा ही प्रदर्शन रहने वाला है इनकी एक और खिलाड़ी का जिसका नाम है गाइज एस मेघना। जी हाँ गाइज, जैसा कि समृद्धि मंधाना का प्रदर्शन रहेगा वैसा ही प्रदर्शन एस मेघना का रहेगा, यानी कि मध्य प्रदर्शन तो पक्का रहेगा लेकिन मध्य से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी करके दे सकती हैं आपको एस मेघना। अगर हम अगले नंबर पर बात करें तो इनकी बॉलर जिसका नाम है गाइज आर सिंह, इनका भी रेणुका सिंह का भी इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन रहेगा, लगभग अच्छा प्रदर्शन करके देंगी ये भी रेणुका सिंह। आप पूछना चाहोगे कि दो मैचों की बहुत ही तकड़ी खिलाड़ी जिसका मैंने हर बार जब भी अच्छा प्रदर्शन रहा मैंने आपको हर बार बताया उसका कैसा प्रदर्शन रहेगा, यानी कि इलिशा पीरी जिन्होंने अपनी टीम को फाइनल में नड़ा दिया है
आईपीएल में इस मुकाबले में आपको आज मैं बताने वाला हूं इस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा। लेकिन गाइस आज मैं आपको पहले ही बता दूं, मैंने पिछली दो वीडियो में इसका प्रदर्शन बिना डाउट के बताया था और इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन भी किया था। लेकिन आज मुझे इस खिलाड़ी पर थोड़ा सा डाउट है गाइस, लगभग इस खिलाड़ी का प्रदर्शन मध्य रहने वाला है, यानी कि मध्य प्रदर्शन का मतलब है गाइस बीच का प्रदर्शन। जी हाँ गाइस, इस मुकाबले में मध्य प्रदर्शन रहने वाला है, मध्य से अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती हैं ये एलिसा पैरी। लेकिन इस मुकाबले में गाइस मुझे इस खिलाड़ी पर थोड़ा सा डाउट है। तो लेकिन मैं आपको फिर भी इस खिलाड़ी के बारे में और इनकी टीम के बारे में टेलीग्राम पर ज़रूर बताऊंगा कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा। टेलीग्राम पर भी मैं थोड़ी बहुत ही जानकारी प्रोवाइड करूंगा। लेकिन इस खिलाड़ी का राशियों और ग्रहों के अनुसार मध्य प्रदर्शन नज़र आ रहा है, रहने वाला है, मध्य से थोड़ा ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन भी करके दे सकती हैं एलिसा पैरी, अच्छा प्रदर्शन भी कर सकती हैं इस। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मुझे इस खिलाड़ी पर थोड़ा सा डाउट है। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आपको बहुत ही अच्छा प्रदर्शन, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन आप कह सकते हो रहने वाला है। वो खिलाड़ी हैं गाइज शेफाली वर्मा। जी हाँ गाइज, शेफाली वर्मा का इस मुकाबले में बल्ला चल सकता है और चलेगा ही नहीं, बहुत खतरनाक भी चल सकता है इस मुकाबले में शेफाली वर्मा का बल्ला। जी हाँ गाइज, शेफाली वर्मा के साथ साथ एक और खिलाड़ी हैं गाइज मिगलैनी। एम लैनिंग का तो गाइज ऐसा लग रहा है कि पक्का है, इनका तो बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन रहने वाला है राशियों और ग्रहों के अनुसार इस मुकाबले में। एम लैनिंग का मैग लैनिंग जो कि इनकी टीम की कप्तान भी हैं, इसका भी इस मुकाबले में बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है। और शेफाली वर्मा का भी इसी के साथ साथ अच्छा प्रदर्शन रहेगा। अगर मैं बात करूं इनके बॉलरों में, तो बॉलरों में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा इनकी टीम की आर यादव का, यानी कि राधा यादव। तो गाइज मैं राधा यादव के बारे में बता दूं आपको, इस खिलाड़ी पर मुझे थोड़ा सा डाउट है। जिस खिलाड़ी पर मुझे थोड़ा सा भी डाउट होगा मैं आपको बता दूंगा। राधा यादव पर गाइज मुझे थोड़ा सा डाउट है, लगभग इनका बढ़िया प्रदर्शन तो रहने वाला है और ऐसा ही बढ़िया प्रदर्शन आपको देखने को मिलेगा इनकी खतरनाक ऑल अराउंडर का, जिसका नाम है गाइज एम कैप। जी हाँ गाइज, एम कैप का भी इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। शेफाली वर्मा का और मैग लैनिंग का भी अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है, राधा यादव का भी गाइज लेकिन थोड़ा सा डाउट है, एम कैप का भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। और एक और खिलाड़ी हैं, अगर इस खिलाड़ी को मौका मिला तो ये भी अपना बहुत ही बेस्ट प्रदर्शन करके देंगे इस मुकाबले में, यानी कि अपना बहुत ही अच्छा खासा प्रदर्शन करके देंगे, जिसका नाम है गाइज टी साधु। जी हाँ गाइज, ये भी बहुत ही बढ़िया करके देंगे, बॉलिंग में अपना काम करेंगे, बहुत अच्छे खासी बॉलिंग करेंगे, बहुत बढ़िया बॉलिंग करेंगे अपनी टीम के लिए टी साधु। जी हाँ गाइज, तो मेरे दोस्त आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन होना मत भूलना, क्योंकि वहां पर मैं आपको अच्छी खासी जानकारी प्रोवाइड कराने की हर बार कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने पिछले मुकाबले में वन साइडेड टीम प्रोवाइड कराई थी, जो कि ग्रांड लीग के लिए भी बहुत सही थी, अगर आप एक दो खिलाड़ी को चेंज करते आप पक्का ग्रांड लीग जीत सकते थे गाइज। तो इसी के साथ साथ गाइज वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।